I'm just explaining how. Automatically,
इमेजिनरी पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करेगा. तो यहाँ पे आप चाहो करेक्ट. तो जो भी अगर आपका क्वेश्चन आता है कि रिप्रेजेंट द गिवन नंबर इन द आर्गुमेंट में, आपने जो नंबर आपको दिया है x plus y, उसमें x और y के साइन चेक करने हैं. तो वो अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट शो करोगे. अगर दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में शो करोगे. और अगर आपका x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो विल शो दैट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. जैसे आपके सिंपल ग्राफ में पॉइंट्स आप ड्रॉ करते हैं सेम वे में दिस विल बी प्रॉपर्टी इन द आर्गुमेंट में. y आपकी इमेजिनरी x में नेगेटिव रियल एक्सिस तो आप जो पॉइंट रिप्रेजेंट करोगे वहां के साथ भी होना है. अगर फॉर एग्जांपल अगर इमेजिनरी x लिखते हो तो पॉइंट आपने को या नल को दैट्स वन एंड द सेम. तो एक ये टाइप आपकी बनती है कि यू आर रिप्रेजेंट. तो ये आपके फोटर फॉर्म में करना है या फिर आप ऐसे माइनस टू बोथ ऑफ दीज आर रिप्रेजेंटिंग द सेम. एक चीज और आपकी आ सकती है कि आपका जो है कोई मतलब जो क्वेश्चन आपका बनता है सॉल्व दिस फॉर गिवन कॉम्प्लेक्स Yeah.
sum of parties x square minus y square equal to 4 is such as following one entry. X square minus y square plus y square. Yeah, cancel out the book. Then have the end of the value of the value. X square minus x square is equal to 9 by 2. X three five. Calculation paper check the look. And if you say that you can tell me the calculation. तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 by 2. अब मैंने यहां एक गलती की है, बताइए क्या. वन मिस्टेक आई हैव मेड इन दिस कैलकुलेशन. लास्ट स्टेप मैंने x इक्वल टू 3 रूट 2 लिखा है, 3 by root 2 लिखा है. इज इट करेक्ट? इज दिस करेक्ट बच्चे? तो मैम प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 2 डिस्क्रिमिनेट. हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है
आप इस वे में उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे. अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन मुझे गिवन है, सॉल्व द गिवन इक्वेशन फॉर एक्स बिलोंगिंग, ये जो चीज पहले भी आपको बताई थी, सॉल्व गिवन इक्वेशन फॉर एक्स बिलोंगिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये. अब क्वेश्चन मुझे गिवन है एक्स माइनस, दिस इज इक्वल टू 1 - 7. तो 1 - 7 आइटम को इस प्रिंट का लेफ्ट हैंड साइड पे ये माइनस वाला है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सिंपलीफाई करनी है, फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द और दिस प्रिंट आ जाएगा आपका b² - 4ac. सिंपलीफाई करो इसको, b² -
5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आता है तो आपने ये शॉर्ट कट करना इस तरह का एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लो. यू विल ट्राई योरसेल्फ एंड यू आर गोइंग टू कैन आस्क. प्लस आयोटा माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस टू इंटू वन माइनस ये मुझे गिवन है. सॉल्व करना है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब अगेन यहाँ पे जब मैं इसको डिस्क्रिमिनेट की बात करती हूँ सिंपलीफाई करके that will be minus 2i. Minus 2 का जब आप half होगे तो आपके पास 1 आ जाएगा. 1 से मुझे यहाँ पे 0 चाहिए तो it means जो मेरे यहाँ पे हमेशा हूँ that can be written as 1 minus 1 minus 2 का योटा मेरे को से मुझे यहाँ पे मैंने 0 के लिए 1 minus 1 नहीं किया. अब 1 को मुझे मुझना है जहाँ पे आपका डिवीजन वाला मेथड मैंने बताया था वहाँ आपने क्या करना है कौन से एक तरफ रखने यानी कि रियल पार्ट्स एक तरफ रख के आयोटा वाले पार्ट्स जो है उसकी तरफ रख के फिर आप उसको सिंपलीफाई ये वाले वैल्यू जो भी आपकी क्वेश्चन आई थी उससे आप
आपने यहाँ तो जो भी आपका डिवाइडर होगा दैट विल बी वर्क. तो आपने उसको डायरेक्ट जो है डिवाइड नहीं करना, पहले रियल पार्ट से एक तरफ लाओगे, इमेजिनरी पार्ट से एक तरफ, एंड देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी. इस क्वाड्रेटिक से क्योंकि इक्वल टू जीरो दे रहा है तो दैट विल बी अ वेक्टर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल. तो इस क्वाड्रेटिक से आप पॉलीनोमियल से जो आपको गिवन पॉलीनोमियल का डिवाइड करोगे, देन यू विल राइट डाउन दैट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. आपका जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है वो जरूर आएगा, तो कीप योर ग्राफ पेपर्स रेडी ड्यूरिंग योर एग्जाम. प्रॉपर स्केल पेंसिल वगैरह लेके चलोगे. सेकंड थिंग कि अगर आपको ये सिक्स आपका पॉजिटिव नंबर फिक्स है, ये रिजल्ट आप चेंज नहीं कर सकते. प्लस सिक्स को आप माइनस सिक्स नहीं बना सकते. ये आप छोड़, अब मुझे इन दोनों को चेक करना है. जो प्रोडक्ट है तो ये पॉजिटिव है तो इसको नॉट गिव, नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा. तो उसके लिए हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे इनको लिखना है. अगर आपका क्वेश्चन आता है इस वीक,
x minus 2 upon x minus 3 very equal. इस तरह के क्वेश्चन हमें राइट हैंड साइड जीरो आपने ये नहीं करना कि x minus 3 को जब भी आप ऑपरेटर लीनियर है आप कांस्टेंट को मूव कर सकते हो बच्चों आपका यहां पे कॉलिंग हो गया इसे यहाँ ध्यान दो जब आप ये नेगेटिव साइन बताओगे तो इट मींस कि आप दोनों साइड पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा लेस देन ये नेगेटिव साइन बिंदु लगा तो यहाँ वाला साइन आपका चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल अब नीचे वाले को हमने क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर बना देना है ताकि हमारा जो ये वाला साइन है हमें सिर्फ न्यूमेरेटर से तो डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई बाय x माइनस फिर जो भी आपका डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करें बट डिनोमिनेटर बीइंग अ पॉजिटिव स्क्वायर डिनोमिनेटर बीइंग अ स्क्वायर विल ऑलवेज बी तो अब अगेन x माइनस 4 x माइनस 3 रह गए इसको फिर से इसी वे में अलाइन करते हैं जो भी आपके फैक्टर्स बने हैं तो बेसिकली इक्वल टू 0 करो x minus 4 को जब आप 0 पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी x minus 3 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी आप अभी minus 2 से ऊपर है अब मुझे इसको रिजल्ट लेके चलना है रिजल्ट आया तो एक अकॉर्डिंगली less than equal to 0 है तो 3 और 4 के बीच में आएगा अगेन यहाँ ध्यान दो कि इक्वल का साइन के साथ में है तो यहाँ पे जो आप रूट स्क्वायर सरफेस वो आपने फील्ड सरफेस यानी कि जो आपका एक्स है बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल सॉल्यूशन सेट आपका क्लोज इंटरवल आएगा थ्री कॉमा फोर ये आपने नंबर लाइन में इसको शो भी कर दिया तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस और इसके साथ साथ मॉड वाले क्वेश्चंस जो हमने किए थे दैट यू आर टू डू बाकी जो आपकी एंड